जो कल हमने पढ़ा था, ओके ठीक है बेटा, समझ गया। वहां से हम बात शुरू करते हैं, कल जो आपने कर लिया था उसी का पेज है यहाँ पर ये। तो जो है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमने बात करी, इस लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं आप, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये क्या चीज होती है, कल हम जो है पहले हमने जो है बात समझनी है इसके अंदर के ऑस्मोसिस जो है वो क्या चीज होती है ना। ऑस्मोसिस जो है इट इज द मूवमेंट, ऑस्मोसिस क्या कहता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल्स जो आपने डेली लाइफ में देखे हैं, जैसे जो है हम अचार बनाते हैं ना, तो अचार का प्रोसेस यही होता है कि आम को जो है बहुत ज्यादा मतलब सॉल्ट मटेरियल में, सॉल्टी वाटर में रखते हैं तो आम जो है श्रिवल, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो वो जो है जो आपका वो प्रोसेस भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है वो भी। और तो हाँ मिशिका, मैंने अभी शुरू किया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो क्या है, उसी तरह से यहाँ पर जैसे अपन कई बार बुके के लिए फ्लावर्स लाते हैं बाजार से, तो वो एक बार जैसे अपन उसको पानी में रखते हैं तो वो दोबारा से रिवाइव करते हैं कुछ कुछ ऐसे, तो उसमें क्या वो प्रोसेस भी ऑस्मोसिस के कारण होता है। अगर ब्लड सेल्स की आप बात करोगे, जैसे वो जो है अगर सलाइन वाटर में रख दिया जाए तो सिकुड़ जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं, पिचक जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हूं, मगर जैसे आप बात करें जो वो होती है ना किशमिश की बात हमने की थी, किशमिश को अगर आप सादे पानी में रखोगे तो क्या होगा, फूल जाएगी, रात भर आप रखोगे तो वो फूल के बड़ी हो जाती है, वो भी एंडोस्मोसिस होता है। जब पानी सिस्टम के अंदर जाए तो हम उसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं, जब बाहर निकले तो हम उसको एग्जोस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना जो है ना कल हमने कर लिया था, ऑस्मोसिस आपको रिकॉल करा दिया था। अब हम जो बात कर रहे हैं उस पर आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। यहाँ तक अब इस डायग्राम पर अपने को ध्यान से इस पर जो है ना, इस पर ऑब्जर्वेशंस अपन अपनी शुरू करते हैं। इसको देखते हैं ध्यान से कि डायग्राम क्या है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कि डायग्राम क्या चीज है। ठीक है, तो कल जो हमने बात की थी उसमें क्या चीज है कि ये जो है आपके पास, मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है कि जैसे ये जो है ये एक वेसल लिया हमने, इस वेसल में लेफ्ट हैंड साइड में 10 ग्राम नमक डाला है 100 ग्राम पानी में, और यहाँ पर 20 ग्राम नमक डाला है 100 ग्राम पानी में। ये स्थिति है, दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा दिया। SPM एक्चुअली आर्टिफिशियल जैसे सेलोफेन पेपर होता है उनसे भी बन सकती है, नेचुरल जो है पिग के ब्लैडर से या वेजिटेबल सोर्सेज भी हो सकते हैं, प्लांट्स से भी जो है ना बनाई जा सकती है जैसे। तो इसको क्या कहते हैं आप, ये क्या कहलाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो क्या होती है कि कुछ चीजों को अपने अंदर से जान देती है, सबको जान देती है, एक तरह का छलनी का काम करती है। इसका पोर साइज इतना होता है कि इसमें से जो है कुछ जो है मतलब कुछ पार्टिकल्स निकल पाते हैं, सॉल्वेंट निकल पाता है, सोल्यूट को रोक लेता है। आप यूँ समझ लो जैसे चाय पत्ती में चाय जो छलनी होती है ना, छलनी से चाय छानते हैं तो वो सीन है। ठीक है, तो मगर क्या है कि हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स में डिजॉल्व है, सोल्यूशन है, चाय तो सारी नीचे आ जाती है ना, पत्ती पत्ती तो नजर आती है, वैसी सीन है ये कि वो समझ लो कि ये जो डिजॉल्व पार्टिकल्स है उनको रोक लेता है, सॉल्वेंट मूव करता है, आप ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो अब जहां हम कल थे, ठीक है, जहां हम कल थे शायद कुछ बात हमने की थी, तो वहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं। मुझे बताइए इस सीन में क्या ऑस्मोसिस होगा, यस और नो टाइप करके बताइए मुझे, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं क्या ऑस्मोसिस होगा, यस और नो। ओके, मिशिका, शौर्य, सब ओके, आज सारे कह रहे हैं यस होगा। ओके, होगा। ठीक है, वो आपको बात समझ आ गई थी कि भाई ये ऑस्मोसिस होगा, क्यों होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है ना, जैसे किशमिश की बात हमने की थी, सच बात कर ली थी हमने लगभग कल, है ना। तो किशमिश जैसे गाढ़ी है, किशमिश में जो शुगर सिरप भरा हुआ है वो गाढ़ा गाढ़ा है, तो इसीलिए जो बाहर पतला पानी वो अंदर एंटर कर जाता है ना, वही सीन है। तो यहाँ पर आप बताइए, अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, यानी ए से बी होगा या बी से ए होगा, आप टाइप करिए मुझे, मेरे को बताइए, ए टू बी और बी टू ए।
ओके गुरनूर का आंसर आ गया ए टू बी, ए टू बी मिशिका ए टू बी, ए टू बी। अच्छा सबके आंसर आ रहे हैं अपने पास, ए टू बी आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ओके और भी जवाब आ रहे हैं अपने पास, एक मिनट देख लेते हैं अपने। श्रुति दृष्टि उज्जवल रितेश सब जो कह रहे हैं ए से बी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऑस्मोसिस जो है आप इसमें अपने अपने थोड़ा सा लिख सकते हैं इसके अंदर दैट इन दी अबव सेटअप। Osmosis will take place. From A to B. ठीक है, ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है, ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इधर से A से B की तरफ जाएगा, क्योंकि जो है इधर पानी जो आपका ये जो है ना ये पतला है सॉल्यूशन एक तरह से, जबकि राइट हैंड साइड वाला गाढ़ा है। ठीक है, तो जो है यहां पर एक बात आप मुझे बताइए, या ये तो साफ कर दिख ही रहा है तो इसमें क्या बताऊं मैं आपको, अगर हम अपने पास इसमें ऐड कर लेते हैं बात, वो क्या है कि ये बात आप अपने पास याद रखिएगा, ऑस्मोसिस always occurs from a hypotonic solution to a hypertonic solution. हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखना, हाइपो से हाइपर की तरफ होता है ऑस्मोसिस हमेशा। ठीक है ना, इसमें आप एक बात को समझिए, वो क्या के टॉनिसिटी, टॉनिसिटी रेफर्स to the concentration of solution in terms of solute. ठीक है, फिर अपने याद रखने के लिए इसमें याद रखें कि मतलब हिंदी से अगर कोरिलेट करके अपने रखें भी, हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ये ध्यान रखो, एक्सेस बताने के लिए हाइपर का वर्ड यूज करते हैं, और हाइपो का मतलब होता है लैक, कमी, हाइपो का मतलब होता है कम या कमी कह सकते हैं। तो अगर कोई सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन मान लो आप कहते हो हाइपरटॉनिक, तो हाइपरटॉनिक का मतलब हुआ ज्यादा सोल्यूट, यानी आप कह सकते हैं वो सोल्यूशन गाढ़ा है। ठीक है, और हाइपोटॉनिक की अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, कम, कम सोल्यूट है, टॉनिसिटी जो है वो कम सोल्यूट है उसके अंदर, यानी वो सोल्यूट सोल्यूशन कैसा है, पतला सोल्यूशन है, देसी भाषा में अगर अपन बात करें तो याद रखने से मतलब है ना, वहां कोई गाढ़ा पतला थोड़ी लिखना है एग्जाम में, मगर ये बात में बहुत बार हम गलती करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होता है, हाइपरटॉनिक से हाइपोटॉनिक होता है या हाइपो से, मतलब हाइपो से हाइपर या हाइपर से हाइपो होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी डेफिनेशन होती है
कि इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो आप लिखते हो हाइपर से हाइपो, नहीं हाइपो से हाइपर होता है ऑस्मोसिस, क्योंकि टॉनिसिटी जो होती है वो सोल्यूट के टर्म्स में होती है, तो जहां जहां हाइपोटॉनिक है वहां सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, और ऑस्मोसिस सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। आप ध्यान से जो डेफिनेशन कल मैंने आपको लिखवाई थी ऑस्मोसिस की, उसको आप ध्यान से देखिए, वो क्या कहता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट की, इट्स कौन, सॉल्वेंट का रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, माने जहां पर सॉल्वेंट का आधिक्य होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट का जब आधिक्य होगा, ज्यादा होगा, तो उस सॉल्यूशन को आप हाइपोटॉनिक बोलोगे। सॉल्वेंट जहां ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को आप हाइपोटॉनिक बोलोगे, क्योंकि वहां पर सॉल्यूट कम है, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट मूव करता है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर मूव करेगा अगर नमकीन पानी है तो, ठीक है, ना कि नमक मूव करेगा उसके अंदर। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ऑस्मोसिस हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ होता है, ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं उसमें और क्या चीज आती है, जैसे सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन कैसी हो सकती है, किस टर्म्स में आपको आ सकती हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, कुछ भी हो सकता है, हैविंग सेम कंसेंट्रेशंस आर कॉल्ड आइसोटॉमिक। इनको क्या बोलते हैं, आप आइसोटॉनिक बोलते हैं। इसी में आप लिख सकते हो नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिटवीन आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस। आइसोटॉनिक होंगे अगर दो सॉल्यूशंस तो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उसमें ऑस्मोसिस नहीं होता, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या हो गया कि एक तरह से जो है एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास जो है ऑस्मोसिस के बारे में। इसमें जो है जो हम बात करें, अगर जो है जैसे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसको मैं अगर मान लो शॉर्ट में, या चलो कंसील देते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन can be made from a natural source such as pig's bladder or artificially from सेलोफेन पेपर, आपने देखा होगा करकड़ा सा होता ना, तो इस तरीके से जो है इसमें से जो है आपके जो मतलब वाटर पास कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं हो पाते, इसमें ये कह सकते हैं आपके, या चलो ये बात आपको पता ही है इसमें क्या समय लगाना है, सेमी पेपर मेम्ब्रेन में क्या होता है के छोटे छोटे मतलब आप समझ लो होल्स होते हैं, इससे सॉल्वेंट मूव कर सकता है लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें से नहीं जा पाते, ठीक है, इसको सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो है आप कहते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है ये क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोसिस। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या होता है कि हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पर आते हैं। अभी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस नहीं है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझेंगे, हम अब इस पर अपना दिमाग लगाते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर
एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के किस तरह से ये जो है ना बिहेव करते हैं, हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहां पर हम बात करते हैं, देखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर से एक 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 एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं हम, थोड़ा सा एक ऐसा, जैसे एक वेसल लिया, एक तो ये स्पेस भी लाइन बनाना भी टेढ़े काम है। चलो दोबारा कोशिश करते हैं, एक वेसल लिया, दोबारा से एक वेसल लेते हैं, टेढ़ा वेसल लिया भाई। ठीक है, आप सीधा बना लो, उसको बोलो अपने नाम से, उसको आप फोन करके बोलो, हाँ उसने कोई और नाम साइनाइड साइनाइड लिखा होता उसको फोन करके कह दो, ऐसे नामों से नहीं एंटर कर सकते, अपना नाम लिखिए उसके अंदर, हाँ तो उसको बोलो डालेगा ना। ये जैसे सेटअप बनाया, ठीक है, तो जो है ये जो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, पता नहीं है इसका क्या मूड है, सीधा ही बनाते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट प्लीज। ठीक है, ये हमने ऐसे दो, शाबाश क्या बात है, तो दो वेसल बनाए, ठीक है, इस तरीके से अब सही बन गया है, ठीक है, सीधा बन गया, तो दो वेसल इस तरीके से बने हुए कि आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है आपस में। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे पानी भरा हुआ है, मान लीजिए इसके ऊपर क्या है कि मान लो आपने फिक्स पिस्टन लगा रखा है, जैसे यहाँ पर आपने फ्रीली मूवेबल पिस्टन एक लगा रखा है इसके ऊपर, ठीक है, उसने किया है क्या, हाँ। साहिल नाम बता रहा है, हाँ, ठीक है, उसको बोलो, अभी देखता हूँ आता है मेरे पास, एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहां पर बीच में क्या है, बीच में यहां पर एसपीएम लगा रखी है, यहां पर बीच में एसपीएम लगा रखी है, ठीक है, तो अब क्या है, और यहां पर आपने क्या कर रखा है कि अपने ये आपके पास ये जैसे ये आपने सॉल्यूशन बन रखा है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर आपने लगा दिया जैसे ये इधर की तरफ आपके पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, फिर वही बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के जो है कंपैरिजन में होता है, तो सॉल्यूशन और ये क्या है, ये है सॉल्वेंट, ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे ऑब्वियसली ऑस्मोसिस होगा, इधर मान लो आपके पास इधर भी, इधर तो एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेयर का हमारा पी एटमॉस्फेयर ये कह देते हैं अपने, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसके ऊपर भी मान लो पी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अब होगा क्या, अब आप बात को ध्यान से समझेंगे कि जो ऑस्मोसिस है वो सॉल्यूशन की तरफ होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो है ना सॉल्यूशन जो है यहाँ से इधर जाएगा, है ना, ये मूवमेंट जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन वाले की तरफ मूवमेंट होगी, तो हम कुछ ऐसा जो है इसमें जो है अप्लाई करते हैं अपने पास कि जैसे जो है आप इसमें समझिएगा कि इधर जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर जाते हैं ना, जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर जाते हैं तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो हमारी एसपीएम है ना, ये जो एसपीएम है, इस एसपीएम के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ठीक है, इस एसपीएम के ऊपर, ये जो बीच में मैंने रेड से दिखाई है, ये एसपीएम है, इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, ऑब्वियसली सॉल्वेंट जब जाएगा तो इस एसपीएम पर प्रेशर डालेगा, तो हम क्या करते हैं कि इस तरफ से हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, वो यहां पर हमने ऐसा सेटअप, क्योंकि ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ऐसा सेटअप लगा रखा होता है कि जो कि क्या करता है कि जो प्रेशर को वो मेजर करता है, दैट इज जस्ट सफिशियंट
इधर से उल्टा प्रेशर लगाते हैं हम, इधर से दबाते हैं ना, तो दैट इज जस्ट सफिशियंट टू स्टॉप दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ये एसपीएम पर पड़ रहा होता है, उसको रोकने के लिए जस्ट सफिशियंट होता है, रिवर्स साइड से लगाते हैं। तो ये जो है ना मेजर कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे प्रैक्टिकल जो है, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम ये मेजर कर सकते हैं कि दिस मच प्रेशर विच इज जस्ट सफिशियंट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ऑस्मोसिस, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट यू कॉल दिस ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं अपने पास, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर that just stops, the pressure that just stops the flow of solvent that just stops the flow of solvent of is called osmotic pressure of the solution. ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, और ये मेजरेबल क्वांटिटी होती है। तो आप अगर कहो तो मैं दोबारा बताऊं या समझ आ गई आपको मेरी बातें, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? चलिए, इसका मतलब आपको समझ आ गई मेरी बात। तो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और इसको हम पाई से इंडिकेट करते हैं, मैंने आपको बताया ये पाई से इंडिकेट करते हैं, तो हम इसको बात करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जो है मैथमेटिकली बात करें तो, मैथमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद करना है, पाई इज इक्वल टू सी आर। Commit this formula to memory. Pi is equal to CRT. ठीक है, Pi is equal to CRT. ये mathematical relationship है osmotic pressure का। यहां पर क्या चीज क्या है? Here, Pi जो है वो क्या है? Osmotic pressure. ठीक है, Pi क्या है? Osmotic pressure. C है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, यहां पर ये मोलैरिटी में होती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। उसके बाद आर, आर वैसे ये सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, यहां पर ये सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है। अच्छा, टाइम अप जब होगा आपको पता ही है, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये जो है हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, वापस से उसी लिंक पर जाना है और दोबारा क्लिक करना है, तो हम दोबारा से हम मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, विल स्टडी कंटिन्यूसली अप टू 6 o'clock। तो आर क्या होता है? आर होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसको बोलते तो सॉल्यूशन कांस्टेंट है, बट इसकी वैल्यू जो होती है ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होती है, और इसकी वैल्यू जो है वही 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक है। होता है ये सॉल्यूशंस में है, पर इसकी वैल्यू जो गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। और टी जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, यहां पर आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो क्या के जो है आप ये देख सकते हैं कि पाए जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर कंसेंट्रेशन नहीं चेंज होती, फॉर
ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आप जो है इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड कैसे कर सकते हो कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी है। सी क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि एन टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स यानी कि वी इन टू आर टी। आप सी को ऐसे भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। फिर इसी में अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं, तो आप इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स होता है आपके पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और वी तो नीचे है ही और ऊपर क्या आपके पास आर टी। एन टू को आपने एक्सपेंड कर दिया डब्ल्यू टू अपॉन एम टू से, तो ये आपके पास फाइनल रिलेशनशिप आता है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है अलग अलग तरह की, हम इस पे जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसको कैलकुलेट करने में हमें मदद मिलती है। ये छोटा सा फॉर्मूला बनता है। मैं तो यही कहूंगा कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी याद करो और जो है उसमें जो है उसके बाद जो है आप इजीली जो है इनसे रिलेटेड कोई भी बात आप इसमें आगे कर सकते हो। कोई एक मिनट देखें, कोई चैट रूम में कुछ है। सोल्यूशन कॉन्स्टेंट इज सेम फॉर एवरी सोल्यूशन और डिफरेंट? उज्ज्वल, ये सोल्यूशन कॉन्स्टेंट सेम रहता है। ये सोल्यूशन कॉन्स्टेंट जैसे यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के बराबर। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है सर्वत्र। यूनिवर्सल का हिंदी में मतलब होता है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब हुआ जो सब जगह है, तो सब जगह एक समान है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एक तरह से फिक्स वैल्यू रहती है। तो फिक्स है तभी आपको याद करने को कहता हूं मैं। अगर कोई हेनरीज लॉ कांस्टेंट की तरह होता तो मैं आपको याद करने को भी ना बोलता, है ना। तो इस तरीके से जो है ये आपके पास आ गया। अब देखिए ऑब्वियसली हम इस फिर स्टेज में आ जाते हैं कि हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। तो एक आध हम न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं अपने पहले इसमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये आपको याद रखना है। हियर कम्स योर न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है टू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of a protein contains वन पॉइंट टू सिक्स ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सोल्यूशन at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. ठीक है, ये करके बताइए।
ओके आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। वाह भाई वाह है भाई, ये कैसे निकालते हैं, इतना एग्जैक्ट कैसे निकाल देते हैं, बुक से उठा के या सॉल्व करा है? क्यों प्रीत है भाई, सॉल्व किया है कि बुक से उठा के रख दिया? इतना एग्जैक्ट, इतना एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं निकाल सकता। तो हम जो बात कर रहे थे उसमें आंसर आ रहे हैं आप सबके, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो शौर्य का जेन्युइन आंसर है जो गलत है, ठीक है, तो जो बेचारा गलत आंसर दे उसका आंसर मुझे जेन्युइन लगता है यार। इससे एग्जैक्टली 61022 तो बड़ा मुश्किल सा है इसके अंदर कैलकुलेशन के बाद निकालना, ठीक है, तो थोड़ा सा होशियारी होशियारी मत करो, ठीक है, ढंग से कैलकुलेटर ले लो, चलो कोई बात नहीं, मगर करो तो ढंग से करो। चलिए तो इसको देखिए, अपने जो इसमें समझने वाला पार्ट है ना, जो मेरे को बताने लायक लगता है इसके अंदर, वो क्या चीज है, जैसे इसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो फॉर्मूला तो सीधा साधा है ना, कि आंसर अपने लिखे, इसको मैं यहाँ फॉर्मूला लिखा हूँ, इसको देखते हुए सीधा सीधा अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या बनता है, m2 is equal to w2 rt, ठीक है, w2 rt अपॉन ये आ गया आपके पाई इनटू v। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर चलूँ, मेरा आंसर लिखूँ, तो m2 मेरे पास क्या आया, m2 मेरे पास आया w2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आया 1.26 ग्राम्स, यहाँ से 1.26 ग्राम्स इंटू आर, ठीक है, आर की जब आप बात करते हैं तो उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, वैल्यूज हमेशा यूनिट्स के साथ लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिया, उसके बाद आ गया आपके पास ये टी, ठीक है, टी आया आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करेंगे, ये लिया हुआ आपने को 300 केल्विन, ठीक है, ये 300 केल्विन दिया हुआ है, अपॉन अपॉन में पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 2.57 इंटू 10^-3 बार, ठीक है, तो 2.57 इंटू 10^-3 बार जब ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये हो गया पाई, और फाइनली वी, वी जो है ये आया आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आया आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब अगर आप ये वैल्यू रख के सॉल्व करते हो तो भाई आंसर गलत आएगा, ठीक है ना, आप एक बात को मान के चले के मेरे पास जो सारी कहानी है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक्चुअली मैं क्यों यहाँ पर रुका हूँ, वैसे तो सीधा साधा क्वेश्चन है, पुट वैल्यूज एंड सॉल्व कर लो, बात ही कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बात है, इसमें बात क्या है, यूनिट्स का प्रॉब्लम है, यूनिट्स को आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, यूनिट्स के बारे में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका आंसर इसमें गलत आएगा। हालांकि मैंने आपको शुरू से ही ऐसे ही सिखाया कि बिना यूनिट के आपको करना ही नहीं, तो आपको अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, उसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जैसे ये, जैसे आप समझो ये केल्विन और पर केल्विन तो कट गया, पहली बात ये मोलर मास है, मोलर मास है, तो मेरे पास क्या है कि इसमें सनुज गलत है, आंसर सही नहीं है बेटा, गुरनूर आपका भी गलत है, ठीक है, तो जो है इसकी यूनिट जो आनी चाहिए अपने पास, इसकी यूनिट अपने पास आनी चाहिए मोल्स अपने ग्राम पर मोल, आपको पता है मोलर मास यूनिट ग्राम्स पर मोल होती है, ठीक है, तो जो है यहां पर क्या चीज है कि ये केल्विन से केल्विन गया, पर अब ये जूल रह गया यहाँ पर, है ना, ये जूल रह गया, आप समझो बात, ये जूल है, ठीक है, और ये ग्राम तो ठीक है और पर मोल भी ठीक है, प्रॉब्लम है कि यहां पर जूल है और नीचे है बार और सेंटीमीटर क्यूब, इनका हिसाब किताब कैसे किया जाए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, हालांकि ऐसी चीजें हमने कभी ना कभी डिस्कशन जो है जरूर किया हुआ है, बट स्टिल वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो मुझे नया पेज लेना पड़ेगा, तो मैं नया पेज लेता हूँ, एक ये पूरा भर गया, इसमें जितनी भी बातें थी हमने जो है ठीक है ना, ये सारी चीज जो है ना यहाँ पर है इस पोर्शन में, इसको जो है हम जरा मैं आपको एक नया पेज लेके और
उसमें आपको दोबारा से समझा देता हूँ इस चीज को। इसमें सारी कहानी किस चीज की है, इसमें सारी कहानी है ये जो आपका जे है ना, इसको समझने की जरूरत है। यहीं पर कोशिश करता हूँ एक बार मैं आपको बताने की, ठीक है, इसी पेज पर ही इफेक्टिव रहेगा। जूल जो होता है ना, अगर आपको ध्यान हो थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो जूल्स लॉ, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स अपने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन 11th में आता है पी डेल्टा वी, तो ये होता है 1 जूल। अब प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि जो है वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर, तो एक्चुअली क्या होता है कि 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर क्यूब के बराबर होता है। पी डेल्टा वी की अगर आप बात करते हैं, 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे जो है न्यूटन नहीं, प्रेशर की क्या होती है अपनी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोबारा से करते हैं एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। वर्क डन क्या बताया मैंने आपको, पी डेल्टा वी, तो 1 जूल जो है प्रेशर की यूनिट जो ऐसा यूनिट बनती है पास्कल है ना, तो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इंटू 1 मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब होती है ये, 1 जूल और 1 पास्कल मीटर क्यूब एक ही बात होती है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर आपने जो प्रेशर है वो पास्कल में दिया होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 1 जूल जो होता है ना, ध्यान रखिएगा, 1 जूल कैन ऑलवेज बी रिटन एज 1 पास्कल मीटर क्यूब। तो जैसे यहाँ पर आपको ये वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है ना, इसको आप 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हो। ये पास्कल मीटर क्यूब, यानी जूल को आप पास्कल मीटर क्यूब लिख सकते हो। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इस जूल को अगर मैं पास्कल मीटर क्यूब लिखता हूं तो नीचे तो आपने बार में दे रखा है, तो मुझे क्या करना है कि 1 जूल, पहले तो मैं इस चीज को समझूं कि 1 जूल में 1 पास्कल मीटर क्यूब है, तो इसको मैं लेकिन बार में कन्वर्ट करना चाहता हूं। यहां पर पास्कल हटाकर मैं बार में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो फिर से अगली चीज क्या आती है अपने पास कि जो अपने पास अगर अपन बात करें कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि 1 बार में 10^5 पास्कल होते हैं, तो फिर 1 पास्कल में जो है 10^-5 बार हुए, तो यहां पर मैं इस पास्कल मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10^-5 बार मीटर क्यूब 1 बार। तो उससे क्या होगा कि यहां पर जब मैं इसमें मॉडिफाई करूंगा तो मेरा क्या होगा, जूल पे जूल की जगह पर मैं बार आ जाएगा मेरा, तो ये बार से बार कट जाएगा, ठीक है ना, ये जो है बार से बार मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो है ये चीज मेरे लिए यहाँ पर बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगी। लेकिन अभी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर ये वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है जबकि यहाँ वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो उसको भी समझ लेते हैं साथ साथ। वो देखिए क्या चीज है कि 1 मीटर क्यूब की अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 10^6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये कैसे आया, देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, दिस कैन बी रिटन एज 10^-2 सेंटीमीटर इंटू 10^-2 सॉरी माइनस की जगह प्लस कह दें कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो दिस कैन बी रिटन एज 10^2 सेंटीमीटर इंटू 10^2 सेंटीमीटर इंटू 10^2 सेंटीमीटर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि 1 मीटर क्यूब में 10^6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10^-5 बार इंटू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर जो है
10, यानी आप ये कह दें कि अगर एक जूल को मैंने एक्सप्रेशन देना है बार सेंटीमीटर क्यूब में, तो 10 बार सेंटीमीटर क्यूब आता है। तब आपने क्या करना है, इसको 8.314 को 10 से मल्टीप्लाई करना है पहले। उसके बाद क्या होगा कि बार से बार आपका कैंसिल आउट होगा, बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी का ही सॉल्ट एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी का। हाँ जी, यहाँ पर चैट में कुछ है, यहाँ पर कमेंट। अच्छा, प्रीत कह रहे हैं सर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कर लो, ज्यादा आसानी होगी। देखो मेरा काम प्रीत हर आस्पेक्ट को समझाना है, बाकी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे, तो मैं तो समय ये बचा रहा हूँ कि अब जो है फाइनल आंसर जो इसमें आएगा, वो फाइनल आंसर जो है हमारा इसके अंदर जो आएगा वो आएगा जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 61022। ठीक है, वैसे एक्चुअली क्या होता है, सॉल्व करो तो इतना एग्जैक्ट आंसर ये आ ही नहीं पाता जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जिसने एनसीईआरटी से चिपकाया है यहाँ पर, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मैं कैलकुलेटर लेकर बैठूंगा तो थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन आएगा, 22 एग्जैक्टली नहीं आता यहाँ पर, ठीक है ना, मेरा पुराना अनुभव है। तो जिन्होंने तो थोड़ा सा शक हो जाता है भाई कि आपने चिपका दिया वहां से, ठीक है। तो चलो खैर, मैं ये मानता हूँ जेन्युइन है सब आपने किया, बहुत तेजी से कर दिया सारा कुछ, मेरे को तो कैलकुलेशन ही करने में बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इट्स ओके। तो ये जो है एक अपना बड़ा एक लैंडमार्क आ गया, मतलब वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, कि हमने जो है अब क्या कर लिया कि हमने जो है यहाँ पर जो चौथा जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हमने देख लिया। ये क्या कहलाती है आपकी, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो जो है चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर लेने के बाद, है ना, फोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमने कर ली, तो हम इसमें थोड़ी सी लास्ट की कुछ चीजें जो है उनको और समझने की कोशिश करेंगे। देखो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करोगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सब में जो है एक खास बात होती है, वो क्या कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो एक कॉमन चीज, अगर आप ध्यान दोगे ना, वैसे फेस टू फेस सामने अगर आप बात करें, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक कॉमन चीज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मासेस, ठीक है, दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक कॉमन बात क्या होती है कि दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। माधवी अपना माइक प्लीज बंद कीजिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से इन सारी की सारी जो इनको देखोगे, इनकी जो भी एक्सप्रेशन है उनको आप ध्यान से देखोगे, तो आपको ये पता लगेगा कि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का एक्सप्रेशन आता है, और प्रैक्टिकली दे आर यूज टू एक्सप्रेस द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताने के ये काम आती है। यहाँ पर कुछ चैट में कुछ है, देखते हैं एक मिनट। ठीक है, तो अब अपने जो है इसमें जो है इसके आगे के एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब क्या चीज है इसके अंदर के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें क्वेश्चंस तो भी और भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा और चीजें सीखते हैं और उसके बाद इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें एक चीज आप कॉमन देखोगे, दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड practically to determine, okay, they are used practically to determine the molar masses of a solute। इन सब की जो है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे अगर आप देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फॉर्मूला क्या था, P1 नॉट माइनस P1
अपॉन पी वन नॉट, इसके बाद एन टू अपॉन एन वन था तो ये था डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन अपॉन एम वन। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो हम देखें, ये तो पहला हो गया आपका रिलेटिव लो वेपर प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, यानी कि डब्ल्यू वन और ये 1000। ये था आपके पास डेल्टा टी बी। उसके बाद जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। और लास्ट अभी अभी अपन ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी आज, जो ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी जब अपन एक्सपेंड करते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो सी के हिसाब से अपने पास क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू वी और आर टी। ठीक है, तो ये जो है अपनी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है उनके मैथमेटिकल रिलेशंस जो है हमने सबने सीखे, लेकिन ये पढ़ रहे हैं जो हम एक्चुअली क्या होता है कि ये इनकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे पानी में अगर आपने कोई सफेद रंग का कोई चीज डाल, तो अब आप जो है उसको कोई वो कोई आपको कहता है यार इसका मोलर मास बता दो, तो आप उसको कोई चख के या टेस्ट करके थोड़ी बताओगे, समझ रहे हो मेरी बात को, आप तो उसको जो है प्रैक्टिकली आप उसका मोलर मास बताओगे। तो प्रैक्टिकली मोलर मास बताने के लिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज होती है। और वो कहां पर है, अगर आप देखो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी पोर्शन है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, जैसे अपने अगर बात करें ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सॉरी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इनको अगर जनरल मैं एक्स बोल देता हूं। ठीक है, तो इनके सबके एक्सप्रेशन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम टू ये रहा यहां पर एम टू, ये रहा यहां पर एम टू, ये रहा यहां पर एम टू और ये रहा यहां पर एम टू, यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट आप इन चारों से पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आप एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मोलर मास के ऑफ सोल्यूट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा मोलर मास होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन उतना ही कम आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या दी ये कह दें कि मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the molar mass of solute. ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं और फिर कल हम इसमें आगे बढ़ते हैं और वीकेंड पे पूरे सॉल्यूशंस चैप्टर का टेस्ट और जो है उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मैंने जो पिछला टेस्ट लिया था उसके सॉल्यूशंस का वीडियो आपके साथ शेयर किया था, होपफुली आपने देखा होगा, तो आप साथ साथ उसको देखते चले और कुछ जो है और क्वेश्चंस इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, सो होप यू एंजॉयड और अब जो है अपने इसको बस पॉइंट ऑफ करते हैं। ठीक है, इज इट ओके?